तो बच्चों को लेके आए हैं हम लोग थोड़ा सा दिखाने के लिए। थोड़ी सी तबीयत इनकी ठीक नहीं है। प्रॉपर केयर दो, हर एक चीज़ प्रॉपर खिलाओ, ध्यान रखो कि क्या चीज़ खिलाना है क्या चीज़ नहीं खिलाना है। बट थोड़ा सा मेरे घर में मैंने पूरा छूट दे रखा है, किचन में बना देती हूँ सारी चीज़ें बच्चों की। अगर किसी का शौक कर जाए, दिल कर जाए तो खिला सकते हैं बहुत प्रेम से शौक़ से, लेकिन नहीं, घर के खाना खिलाने का किसी का कोई मन नहीं करेगा। मन नहीं करेगा कि चलो कभी तेल वेल लगा दे बच्चों के सर सूखे हैं, या फिर उनके चलो कपड़े वपड़े चेंज कर दे, ये सब किसी का कोई मन नहीं करेगा। लेकिन हाँ, दिखावे का होता ना कि कुछ चीज़ मार्केट से लेके हाथ में पकड़ा दो, बस बहुत दिखावा हो गया और फिर उसके साथ मज़े आ गए, बच्चे दौड़ के आ गए देखने के। चलिए, यहाँ से मेरी क्लासेस थी। किसी को भी करना हो एडवांस कोर्स बेसिक कोर्स वो कर सकते हैं। और अभी थोड़ी सी मुश्किलें आई हैं तो मैं ये थोड़ी सी मैनेज करने की कोशिश करूँगी, हो जाएंगी। सबको ऐसा लगता है कि चलो मज़ा आ गया, ये अब तो फंसे और अब नहीं हो पाएगा इनसे, बट सब हो जाएगा। थोड़ा सा एक दो दिन थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा, बट हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे साथ जितने भी काम आते हैं ना, हम लोग बड़ी आसानी से उसको मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको कर लेते हैं, और उसके साथ साथ अपने काम को भी मैनेज करते हैं। इसी से ये हमारी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देती है। लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये कैसे मैनेज कर लेते हैं, मज़ा क्यों नहीं आता है, मतलब ये लोग थकते क्यों नहीं है सारी चीज़ें। बट कोई ना, और चलो। तो यहाँ से ये वाली नेकलेस हमने ना आज सीखा है कोर्स में, मतलब ये इतना नहीं सीखा है, स्टूडेंट्स को पूरा इसको प्रॉपर बनाना सिखाया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। अच्छा हाँ, मैंने ये कहा था कि ज्वेलरी के साथ अपने काम को मैं कैसे मैनेज करती हूँ। जिसे भी सीखना है, आप लोग बेसिक कोर्स कर सकते हो, एडवांस कोर्स कर सकते हो। तो कुछ लोगों को ऐसा लगाना कि मैं ये कह रही हूँ मुझसे कुछ सीखना है तो आप बेसिक कोर्स कर लो, एडवांस कोर्स कर लो, तो ये सभी के लिए नहीं है। मेरे व्लॉग्स वालों के लिए तो मेरे व्लॉग्स हैं, मेरी डेली रूटीन है, सारी चीज़ें मैं प्रॉपर वे में शेयर करती हूँ। और मेरे जो व्लॉग देखने वाले लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनकी एक अलग ही जगह है। एडवांस कोर्स बेसिक कोर्स करने वालों की एक अलग ही जगह है, सबकी अपनी अपनी जगह सेट है। उनके साथ मुझे सारी चीज़ें उनको कॉपरेट करना है, उनको ज्वेलरी बनाना सिखाना है, उनको सारी चीज़ें सिखानी है कि इन्हें कैसे सेल करना है, ठीक है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी लाइफ दिखानी है कि हम लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह है मेरे लाइफ में, और सभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट मेरे स्टूडेंट्स हैं ना जो मुझसे कोर्स कर रहे हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे व्यूअर्स भी हैं, क्योंकि आप सब हैं। आप ही में से तो कुछ वो लोग हैं जो स्टूडेंट बन रहे हैं मेरे बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स में, तो सभी ही मायने रखते हैं मेरे लिए, सभी दुआएं देते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम में पड़ती हूँ तो इतने सारे कमेंट्स देते हैं कि काश हम होते वहाँ मदद के लिए, काश हम आ जाते। तो ये सब के लिए, सब मेरे लिए इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो सिर्फ कोर्स वालों के लिए था कि आप लोग कैसे मैनेज करना है, अगर जानना है ज्वेलरी के साथ, ज्वेलरी बिजनेस के साथ अपने बच्चे और घर को कैसे मैनेज करना है, तो वो उसके लिए था कि एडवांस कोर्स और कोर्स कर लो आप। सुबह की वीडियो में मैंने ऐसे बोला था। तो चलो यहाँ से चलते हैं हम लोग। नंबर लगा के बहुत ज़्यादा लेट हो गया, बट फिर हम लोग सोचे कि चलो थोड़ी देर इधर साइड आते हैं, क्योंकि इधर से मेडिसिन लेनी थी। तो अंदर आ गए हम लोग और यहाँ पर बच्चों को बिठाया, बट अनमोल घर जाने के लिए रेडी ही नहीं था, वो अभी बैठने लायक नहीं था गाड़ी पे। तो हमने सोचा कि थोड़ी देर यहीं इसको लटा के रखते हैं। फिर हमने बात भी की अंदर जा कर के, तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट आप लोग रुक जाओ और फिर लेके जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग फिर यहाँ अंदर आके बैठ गए थे, और मेरे पीछे आपको कुछ दिख रहा है, मैं तो ना मुझे नहीं पता था मेरे पीछे ऐसा कुछ है। तो मेरे हस्बैंड ने दिखाया कि देखो यार तुम्हारे पीछे क्या है। अनमोल को बोला उन्होंने एक बार सिर्फ कि स्केलेटन, तो ये लेटा हुआ है, देख रहे हो आप लोग कैसे चुपचाप है। इसने, मुझे लगा इसने सुना भी नहीं है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग भी हम लोग जब गए ना, तब अभी मैं आवाज़ डाल रही हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग की बता पा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग अनमोल खुद ही मुझे दिखा के बोल रहा है मम्मी स्केलेटन सही से तो नहीं बोल पाता, स्केंटन ऐसे बोल रहा था। चलो घर आए तो फिर हमें बनानी थी रोटी एंड सब्जी, भूख लगा हुआ था। मेरे हस्बैंड कह के जा रहा हूँ मैं बना बनाया सब्जी लेके आ जाता हूँ, रोटी बना दो बस। मैंने कहा प्लीज़ कुछ भूंज दो मेरे लिए, मैं मार्केट का बाहर का खाना नहीं खाना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने ना बोला कि ठीक है मैं भिंडी कटवा दूंगा। तो मैं सोची कि चलो रोटी बन गया, जल्दी जल्दी से पूरा क्लीन कर देते हैं। एक तरफ भिंडी फ्राई हो रहा है, इसी बीच में मेरे कल के जो बैच बनने वाले हैं ना, मैं उनमें सभी स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बैच और ये सारी चीज़ें मिस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये सब हम लोगों के मैनेज होते रहेंगे। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे ना कि ये अब मज़ा आएगा, तो आपको खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमने सारी चीज़ें मैनेज कर लिया। और यहाँ पर हमने इधर भिंडी छोंक रखा है, दूध मेरी आदत है कि मैं धीमी आँच पर खोलाती हूँ, कभी गिरने नहीं देती हूँ, बट ये मोस्टली घरों में मोस्टली महिलाओं की आदत होती है
कि उनका दूध गिर ही जाता है, तो उसका रिजल्ट पास में पड़ा है बट मेरी आदत नहीं है और मैं बहुत धीमी आंच पे मोस्टली दूध उबालती हूँ ताकि वो गिरे नहीं। बाकी आपकी कौन सी आदत है ज़रूर बताइएगा, अगर आप भी हो दूध गिराने वाले मतलब कि उबाल उबाल के गिरा देते हो तो आदत बदलो, बहुत ख़राब होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और चलो यहाँ से चलते हैं सीधे हम लोग भिंडी फ्राई करके, इसमें हल्दी नमक डालना है। नहीं हल्दी नमक डाल चुके हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा तो नमक नहीं डाल दी। और पता है क्या हुआ, जब मैंने भिंडी टेस्ट किया ना तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि शायद से मैंने दोबारा नमक डाला है। मेरे ख्याल से कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सब्ज़ी में नमक डबल डाल दिया हो? मेरे साथ हो गया है लगता है। और फिर मैं आ गई थी जल्दी से रूम में मेरे कपड़े इतने सारे डैम्प लगे हुए थे, मैं क्या चपड़ चपड़ कर रही थी, मुझे कुछ नहीं था पता था। बाकी आपको मेरी अगर चपड़ चपड़ सुननी है ना जार ज़रूरत से ज़्यादा तो व्लॉग में ही सुनने को मिलेगा, अगर मेरे लाइफ से रिलेटेड चपड़ चपड़ सुननी है तो व्लॉग में सुनने को मिलेगा। लेकिन ज्वेलरी बनाने से रिलेटेड सुननी है चपड़ चपड़ की कैसे बनाना है कैसे क्या करना है वो आपको कोर्स में ही मिलेगा। तो ये एक डिफरेंट है और या जो कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और कोई किसी को फोर्स नहीं, जो भी मतलब शौक से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए अपने पति के लिए सपोर्ट करना एक होता है ना, जैसे आप कर पा रहे हो वैसे हमें भी कुछ करना है तो वो लोग जुड़ सकते हैं। दिए हुए नंबर रहते हैं मेरे मोस्टली गेट रेडी विथ मी वीडियोज़ में रहते हैं, वो एक अलग ही ज्वेलरी से रिलेटेड वीडियो रहता है जिसमें कि मेरी सारी हैंडमेड ज्वेलरीज दिखती हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं आज क्या बनाऊँ क्योंकि मेरे पास आज काम बहुत है लेकिन कल संडे है तो मैं सोच रही कि छोड़ो आज क्या बनाऊँ, अब कल ही बनाऊँगी। मैं चेक कर रही थी एक बार के लिए कि कुछ बनाऊँ क्या, बट फिर सोची कि रहने देती हूँ, छोड़ो रहने दो कल ही करेंगे ठीक है। और हाँ ये मैंने एक जब से ये ऑप्शन दिया है ना सबको बहुत अच्छा लगा है कि मैंने सारे कोर्स को अलग अलग डिवाइड करके रख दिया। जैसे कि बहुत से लोग मतलब 90% लोग तो पूरा ऑलराउंडर बनना चाहते हैं और वो सारे मिक्सअप वाले कोर्स कर रहे हैं कि मेरी अलग अलग तरह की ज्वेलरीज बनाना सीख रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ बीड्स की ज्वेलरी सीखनी है जो मैं मोतियों से बनाती हूँ, तो उनको उसी कोर्स में उसी चार्ज में सेम सिर्फ और सिर्फ बीड्स के मटेरियल्स जाएंगे। तो क्या होगा ना कि बाकी सारा जो इतना सारा सामान देती हूँ ना उसकी जगह पर सिर्फ मोतियाँ जाते दूंगी और उसको जो बनाने की ज्वेलरी के सामान जाते दूंगी। तो ऐसे करके क्या होगा ना कि इतने सारे जो थोड़े 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 ज्वेलरी बनाने के बहुत सारे महंगे सामान होते हैं ना वो सब में बटेगा नहीं, बल्कि क्या होगा ना कि वो एक बीड्स में ही सारा इंक्लूड करके बीड्स ही उस हिसाब से ज्यादा करके रहेगा। तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे कई लोग आ रहे हैं कि उन्हें बीड्स की करनी है, कई लोग आ रहे हैं कि हमें फैब्रिक ज्वेलरी करनी है, कई लोग आ रहे हैं कि हमें फ्लावर ज्वेलरी करनी है और कई लोग आ रहे हैं कि हमें कुंदन ज्वेलरी करनी है। आपके कुंदन वाले ज्वेलरी बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुछ लोगों को कुंदन प्लस डायमंड दोनों सीखने हैं। तो कुंदन और डायमंड का पैटर्न करीब करीब मोस्टली सेम रहता है। अगर आपको सीखनी है कुछ पर्टिकुलर करके भी सीखनी है तो डिफरेंस बस इतना होगा कि जो मैं इतने सारे अलग अलग तरह की ज्वेलरी के सामान देती हूँ उसकी जगह पर कोई एक पर्टिकुलर या फिर दो का कॉम्बो चाहिए होगा तो दो का पर्टिकुलर बस ऐसे कर दूँगी मैं। तो मतलब सेम चार्ज में आप कोई एक पर्टिकुलर का भी कर सकते हो, ये ऑप्शन सबको बहुत अच्छा लगा। उधर से मेरे हस्बैंड आ गए थे और मैं यही सारी चीज़ें समझा रही थी बट मैं उनके सामने ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ और मैं अच्छे से अपनी चीज़ें समझा नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया है ना कि पूरा का पूरा पीछे से आवाज़ डाला है क्योंकि वो जब खड़े थे ना तो मैं तो ये करना है तो बहुत अच्छा है तो ये करना है तो बहुत अच्छा है, एक ही चीज़ को मैं रिपीट करना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे व्लॉग में अगर कभी मैं ऐसा लगे ना कि बात को रिपीट कर रही हूँ मतलब कि आप लोग समझ जाइएगा कि मेरे हस्बैंड है आसपास, उनको देखने के बाद मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ बोलने में और फिर वो उसके बाद वही बोलते हैं कि तुम्हें ना हर चीज़ का मुझसे ही आइडिया लेना होता है, मैं आइडिया दूंगा ना तभी तुम बोल पाओगे। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस रूम से बाहर जाओ फिर मैं अपना अच्छे से बोल के आवाज़ डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत थक गए थे बेचारे और हम लोगों की हालत आज थोड़ी सी खस्ता हो गई, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल का चक्कर ना लेकिन अब फिर कंटिन्यू पड़े हैं ना, वायरल तायरल है तो फिर दो तीन दिन की परेशानी तो होनी ही होनी है बट कोई बात नहीं हम लोग इसको भी मैनेज कर लेंगे। बट मैंने आज हस्बैंड से लड़ाई किया, मैंने कहा कि अब सीधी सी बात है हर काम तुम्हारे घर में सब डिवाइड करते हैं ना कि ये तुम्हारा काम है ये मेरा काम है ये तुम्हारे बच्चे का काम है ये मेरा काम है, तो अब जो भी कोई ऐसी वैसी चीज़ें खिलाएगा ना तो अगर कुछ भी होता है उसकी वजह से तो अब वो डिवाइड होगा कि जिसने खिलाया है जिसकी वजह से बीमार पड़े हैं ना अब वो करेगा, क्योंकि उस टाइम पे सब गायब हो जाते हैं कोई दिखता नहीं है और फिर मेरी हालत अकेले खराब हो जाती है ना। और चलो कोई बात नहीं बच्चे मेरे हैं तो ध्यान भी मुझे ही देना पड़ेगा, कोई और क्या ध्यान देगा, वो छोड़ देंगे कि लो भैया तुम ही जानो नहीं खाया दवाई तो छोड़ देंगे। हम लोग तो हैं कि चलो प्यार से बहला के फुसला के जैसे सिखलाते हैं लेकिन आज मैं नाराज़ चुकी थी, मैंने कहा नहीं खिलाऊंगी मैं नहीं करूँगी कुछ भी, बट फिर करने में लग गई थी क्योंकि
तब कभी कभी थोड़ा इंसान थकता है तो नाराज़ होता है। और मेरे हस्बैंड को तब से कह रही हूँ कि एक हेल्पर लगा दो कि थोड़े बहुत एटलीस्ट काम तो मैनेज होए। काम के टाइम में कोई हेल्प के लिए नहीं है, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम ढूंढ के ले आओ तो मैं लगा दूंगा। तो मैंने कहा मैं ढूंढ के ले आऊँगी तो मैं खुद ही लगा लूँगी ना, मैं तो ढूंढने के लिए ही तो कहती रहती हूँ। बाकी सबको मेरे ज्वेलरीज भी पहुँच रहे हैं और सब लोग पता है क्या कह रहे हैं कि आपकी ज्वेलरीज तो वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिखती जितनी सामने से दिख रही है, तो आपको भी मंगानी हो तो मंगा सकते हो।